नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, अक्टूबर मंथ सभी ऑनलाइन सेलर्स के लिए एक बहुत बढ़िया मंथ साबित होने वाला है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अक्टूबर मंथ में ही आपको ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और बिग बिलियन डे सेल देखने को मिलेगी। अक्टूबर मंथ में ही आपको दिवाली सेल देखने को मिलेगी। अक्टूबर मंथ में कई सारे त्यौहार आते हैं, तो अगर आप ऑफलाइन भी सेल करते हो तो दशहरा दिवाली पे सभी के बिजनेस में रिस्पॉन्स मिलता ही मिलता है। तो मेनली अक्टूबर मंथ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छा महीना है, जहां पर आप अच्छी सेल और अनएक्सपेक्टेड सेल अचीव कर सकते हो। जैसा कि मैं एक ग्राफ के थ्रू भी आपको दिखा रहा हूं, जैसे एक सेलर का डेटा है पिछले बिग बिलियन डेज का, तो नॉर्मली उसकी 25,000 30,000 रुपीस की पर डे सेल होती थी, लेकिन जैसे ही फेस्टिव सीजन सेल आई तो उसकी जो सेल है वो इंप्रूव होती चली गई। तो 30,000 से पहले 40,000, 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख, 1.4, 1.6 लाख तक सेल उसकी चली गई। तो ऑब्वियसली किसी पर्सन के लिए जो डेली की 30,000 रुपए की सेल करता है और उसकी मंथली 1.6 लाख रुपीस की सेल हो जाए, तो उसके लिए तो 5 टाइम सेल हो गई, 5x की ग्रोथ हो गई। तो ऐसा ही चीज हमें देखने को मिलती है जब ये सेल टाइम आता है। तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं जो सेलर काफी टाइम से सेल कर रहे हैं तो उन्होंने तो ये पास्ट में भी एक्सपीरियंस किया होगा, कुछ सेलर्स ने नहीं भी किया होगा और शायद उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हुआ होगा कि क्या उन्होंने गलती करी थी पिछले फेस्टिव सीजन सेल में, वो शायद अब इस बार नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप एक नए सेलर हैं और आप भी इस तरीके की ग्रोथ जो है वो देखना चाहते हैं, तो कुछ पॉइंट्स मैं इस वीडियो में आपके साथ कवर कर रहा हूं, आपको याद रखना है, इससे आपकी जो सेल है वो डेफिनेटली इंप्रूव होगी। तो आइए अब इसके बारे में जान लेते हैं। पहला पॉइंट है प्रोडक्ट स्टॉकिंग। देखिए, मेन चीज होती है ऑनलाइन सेलर्स के लिए कि वो अपना प्रोडक्ट जो है वो अच्छी क्वांटिटी में अपने पास रख लें। अब मुझे पता है यहां पर एक रिस्क इन्वॉल्व रहता है जो कि हम सभी सेलर सोचते हैं, मतलब ऑब्वियसली प्रोडक्ट स्टॉक करने में आपकी एक कॉस्ट, आपका एक इन्वेस्टमेंट लगता है और आपके दिमाग में एक डर रहता है कि अगर मेरे ऑर्डर नहीं आए तो क्या, क्योंकि मुझे तो सामने वाले वेंडर का पेमेंट भी करना है। तो ये जो एक रिस्क फैक्टर है वो हर एक सेलर के दिमाग में रहता है। अब जो पुराने सेलर हो जाते हैं तो उनको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वो रिस्क लेने में इतना घबराते नहीं है, लेकिन नए सेलर मैं समझता हूं इस चीज को कि वो रिस्क लेने में थोड़ा सा घबराते हैं। तो देखिए, ऑब्वियसली मैं खुद से बोलता हूं कि देखिए, प्रोडक्ट स्टॉकिंग आपको करनी चाहिए, लेकिन उन प्रोडक्ट की ही स्टॉकिंग ज्यादा करें जो ऑलरेडी आपके नॉर्मल डेज में भी अच्छे सेल होते हैं। जो नॉर्मल डेज में आपके अच्छे सेल होते हैं वो फेस्टिव सीजन सेल में उसकी जो सेल है वो बढ़ जाएगी। जो प्रोडक्ट आपके बिल्कुल भी सेल नहीं होते उनकी बहुत ज्यादा स्टॉकिंग मत कीजिएगा, क्योंकि चांसेस 50-50 है सेल उसकी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। लेकिन एक बहुत बढ़िया मौका होता है फेस्टिव सीजन सेल के दौरान कि आप थोड़े डिस्काउंट देकर कस्टमर को अट्रैक्ट करें, और अगर आपको अपना स्टॉक लिक्विडेट करना है, खत्म करना है, कोई क्लियरेंस सेल चलानी है, तो एक बहुत ही बढ़िया मौका है फेस्टिव सीजन सेल में कि आप उस स्टॉक को निकाल दें। मान के चलिए आपने कोई प्रोडक्ट ट्राई करने के लिए मंगाया था, कुछ क्वांटिटी में मंगा लिए और अब आप उस कैटेगरी में ही इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये अक्टूबर मंथ एक बहुत बढ़िया मंथ है जहां पर आप उस प्रोडक्ट को स्टॉक आउट कर सकते हो। तो कुल मिलाकर आपको स्टॉकिंग पे ध्यान रखना है। अगर कोई प्रोडक्ट आपका स्टॉक आउट होने वाला है तो आप टाइमली उसे स्टॉकिंग कर दें, टाइमली अपने वेंडर से उसे मंगवा लें। जो प्रोडक्ट आपके पास जितनी क्वांटिटी में है उतना ही आप उसे पैनल पर भी अपडेट कर दें। बहुत बार मैंने देखा है कि सेलर स्टॉक को ढंग से अपडेट नहीं करते और उनके पास उनके ऑफिस में तो स्टॉक रखा हुआ है और पैनल पर जीरो हो गया तो उनको ऑर्डर ही नहीं आ रहे। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, ऑर्डर प्रोसेसिंग वेरी फास्टली। देखिए, इसका मतलब क्या है, नॉर्मली जब आप ऑर्डर प्रोसेस करते हो डेली में तो दिन में एक बार करते होंगे या दो बार करते होंगे, लेकिन फेस्टिव सीजन सेल के दौरान मैं ये रिकमेंड करता हूं कि अब दिन में 4 से 5 बार तो आपको ऑर्डर प्रोसेस करने ही है, मतलब हर 2-3 घंटे के गैप में पूरे दिन भर में आपको ऑर्डर प्रोसेस करने हैं। इसका रीजन क्या है, देखिए, अगर आपके पास एक नॉर्मल लिमिट से ज्यादा ऑर्डर आ जाते हैं तो फ्लिपकार्ट वाले आपके अकाउंट को टेम्पररी होल्ड कर देते हैं, मतलब आपको कोई भी नया ऑर्डर नहीं आ पाता, या फिर नया ऑर्डर आता है तो वो अपकमिंग ऑर्डर में ही जाता है। ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो आपको ऐसे केस में क्या करना है, ऑर्डर प्रोसेस करते रहना है जिससे कि फ्लिपकार्ट को पता चल जाए कि आप को जितने ऑर्डर आ रहे हैं आप उसको इजीली प्रोसेस कर पा रहे हैं, वरना फ्लिपकार्ट ये सोचता है कि आप इतने ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए अभी कैपेबल ही नहीं है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। कई बार फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में स्पेस नहीं बचता तो वो भी तब आपके ऑर्डर को स्टक कर देते हैं और आपको कोई भी नया ऑर्डर नहीं आता, तो उस केस में आपको टाइमली टिकट रेस करनी है ताकि फ्लिपकार्ट की टीम उस चीज को चेक कर आपको रिजोल्यूशन जल्द से जल्द प्रोवाइड करे। तो कुल मिलाकर फेस्टिव सीजन सेल के दौरान आपको डेली बेसिस पर, मतलब मैं तो ये कहूंगा 2-3 घंटे में आपको ऑर्डर प्रोसेस कर देने हैं, जिससे कि आप एकदम इकट्ठे ऑर्डर पेंडिंग लेवल वाले सेक्शन में ना रहने दें और उसे प्रोसेस जो है फास्टली कर दें।
अमेजोन में लाइटनिंग डील्स एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है जो कि सेलर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। डील्स के आप यूज करके अट्रैक्टिव प्राइसिंग भी दे सकते हैं, अच्छे प्रॉफिट्स भी अर्न कर सकते हैं, और जो अगर आपको प्रोडक्ट लिक्विडेट करना है, कोई क्लियरेंस सेल चलानी है, तो वो भी आप चला सकते हैं। तो डील्स का भी आप यूज कर सकते हैं अमेजोन प्लेटफॉर्म पर इस फेस्टिव सीजन सेल के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको ऐसे प्रोडक्ट पर ज्यादा फोकस करना है जिन पर रेटिंग और रिव्यू ऑलरेडी आपको अच्छे मिल चुके हैं। देखिए, फेस्टिव सीजन सेल के दौरान अगर आप ऐसे प्रोडक्ट पर फोकस करेंगे जिन पर रेटिंग और रिव्यू अच्छे मिल चुके हैं, तो आपको ऐसे प्रोडक्ट के काफी सारे ऑर्डर आएंगे। देखिए, रेटिंग रिव्यू अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट ऑलरेडी कस्टमर ने पसंद किया हुआ है, तो जब नए कस्टमर आएंगे तो रेटिंग रिव्यू पढ़कर आपके जो प्रोडक्ट है उसको परचेस कर लेंगे। बस वहां पर बात आती है कि थोड़ी प्रोडक्ट विजिबिलिटी और आ जाए, तो अगर आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज है तो वैसे ही आपको प्रोडक्ट विजिबिलिटी ऑर्गेनिकली ही मिल जाएगी। बाकी आप थोड़ा एडवर्टाइजमेंट भी ऐसे प्रोडक्ट पर ट्राई कर सकते हैं जिनकी रेटिंग रिव्यू अच्छा है, जिससे कि आपकी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल काफी इंक्रीज हो जाए। बाकी इसके अलावा आपको रिटर्न्स का ध्यान रखना है। देखिए, फेस्टिव सीजन सेल के दौरान जैसे सेल बढ़ती है वैसे ही रिटर्न भी बढ़ते हैं। ऑब्वियसली ऑर्डर ज्यादा आएंगे तो रिटर्न ज्यादा आएंगे, तो ऐसा ना हो आप सिर्फ सेल पर फोकस करें और रिटर्न पर फोकस ना करें। आप टाइमली रिटर्न को भी ओपन कर लीजिए, देख लीजिए, अगर डैमेज है तो उसका टाइमली क्लेम कर दीजिए। अगर कोई पैकेट आपको फिजिकली नहीं मिल रहा तो आप टाइमली उसकी पीओडी डाल दीजिए, लेकिन रिटर्न मैनेजमेंट आपको पैरेलली मैनेज करना है, वरना अगर आप उसमें लेट हो जाओगे तो वहां पर आपको लॉस लग जाएगा। तो बस इस वीडियो में मुझे यही कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने थे। बाकी सेल आपकी डेफिनेटली बढ़ेगी, थोड़ा सा आपको कुछ पॉइंट्स पे ध्यान रखना है, वो मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं। बाकी अगर आप एक पुराने फ्लिपकार्ट सेलर हैं तो आप भी अपना वैल्यूएबल ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जो कि आप बाकी सेलर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, जिससे कि बाकी सेलर्स का बेनिफिट हो जाए। अगर आपको लगता है कोई ऐसी टिप है, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे बीबीडी सेल, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में सेलर उस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके अपने बिजनेस में बेनिफिट ले सकते हैं, तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे बाकी ऑनलाइन सेलर्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं, थैंक यू।